वेश धारण करते हुए साधुओं का जीवन चरित्र कैसे होनी चाहिए, महाप्रभु स्वयं एक आदर्श रूप में जगत जीव को शिक्षा देने के लिए उन्होंने वो तैल को ग्रहण नहीं किया महाप्रभु ने, क्योंकि अगर मैं सुबह में तैल लगाऊंगा उसका बड़ा पुष्प है, जब जाएंगे उसका पुष्प चारित्र को देखेगा बोलेगा साधु तो बड़े सुंदर तैल बड़ा सुंदर तैल लगा, लोग हंसेंगे खिली उड़ाएंगे, और अगर मैं जैसे जैसे करूंगा बाद में जब साधु लोग आएंगे अरे मेरे को आदर स्वरूप में मेरी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, इसलिए श्रीमद महाप्रभु में नहीं कोई भी अच्छी चीज हो श्री जगन्नाथ जी की सेवा में लगनी चाहिए, हम तो उनके संतान हैं, भगवान तो हमारे प्रभु हैं, हर जीव भगवान की सेवा में लगे हमारे, इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं विशेष भक्ता कृष्ण ही एकमात्र भोग्य, एकमात्र वो भोग्य है, हम सब भोग्य है, इसे वही केवल भोग कर सकते हैं, इसे श्रीमद महाप्रभु आदर्श देने के लिए बोले ये तेल को श्री जगन्नाथ जी का जो दिया जाता है ना, जगन्नाथ जी जो आरती होती है ये तेल को जगन्नाथ जी का सेवा कर, अभी ये जगदानंद पंडित जी बोल रहे हैं बोले ये सत्य बाबा का जैसे भावना है और राधा जी की प्रकाश है, और राधा रानी क्या करती है, राधा जी की भावना क्या है, कृष्ण को हर तरह से कृष्ण को कैसे सुखी करे उनकी भाव है, इसे उनका नाम राधा, मतलब जो विशेष पूर्वक कृष्ण को जो आराधना करती है कृष्ण को सेवा करती है, लेकिन कृष्णा भी स्वयं एक सन्यासी के आदर्श को दिखाने के लिए सन्यासी ग्रहण किया, इसे महाप्रभु को चीज को ग्रहण नहीं किया, इसे जगदानंद पंडित जी को पता चला इतने कष्ट से मैंने बंगाल से सर पर रख कर मिट्टी को महीना महीना भर लग गया उसको लाने के लिए, और इसको मैंने महाप्रभु को सेवा में लाया था और इसको उन्होंने जगन्नाथ की सेवा में लगा दिया, महाप्रभु के सामने ना वो जो कलश का साथी है मिट्टी का पात्र बड़ा था उसको ले फोड़ दिया, बड़ी महाप्रभु बड़ा गुस्सा आया मान कर दिया, राधा जी के प्रकाश है ना राधा रानी मान कर दिया, उन्हें मान करके जाकर घर में सो गए और अंदर से पूजे लगा महाप्रभु ने देखा भी क्या किया और ने खाना पीना सब छोड़ दिया, घर में कोई मान की नहीं, कहीं से बोले एकादशी से निर्जला करने में नहीं कर पाएंगे, घर में अगर मान कर ना दो तीन दिन तक पूरा निर्जला लगा दिया उसने हैं, इसे उन्होंने उन्होंने पूरा मान कर लिया, अभी महाप्रभु की मान को देख करके अभी उनको मनाया कैसे, महाप्रभु आए और दरवाजा खटखटा तीसरे दिन आए दरवाजा खटखटाया बोले जगदानंद अभी मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ, आज मेरे बड़े जोर से भूख लगी है और आके मैं तुम्हारे घर में प्रसाद खाऊंगा, अभी राधा रानी अगर सुने कृष्ण हो गए कहाँ वो सह सकती है, इसलिए जगदानंद पंडित ने जब सुने महाप्रभु समुद्र स्नान के लिए गए और आ करके यहाँ प्रसाद पाएंगे, लेकिन हमारी इतनी चेष्टा किसके लिए होनी चाहिए, भगवान को कैसे प्रीति करें ठाकुर को कैसे सुखी करें, इसलिए तब सुखी में सुखी भावना होनी चाहिए, जब ये बात उन्होंने सुने उन्हें सारे मान को रखते महाप्रभु प्रसाद पाएंगे, इसलिए उनकी चक्की दूध है और उनके लिए बड़े सुंदर चावल दाल सब्जी बड़े सुंदर बनवाया और ठाकुर जी को भोग लगाए, और जब महाप्रभु आए तो नहीं दो पत्ते लगाओ एक मेरे लिए और तुम्हारे लिए, प्रभु कोई चिंता मत करो पहले आप प्रसाद पाओ फिर उसको बाद में फिर मैं प्रसाद पा लूंगा, फिर महाप्रभु ने प्रसाद पाए और उन्हें जान बूझ कर थोड़े लिए और ज्यादा उन्होंने तीन तीन से भूखे है ना ज्यादा उन्हें उनके लिए रख दिए और उन्होंने महाप्रभु का प्रसाद पाया, ये जो लीला है ना इसी रोड में महाप्रभु कहते हैं ओ मान कर इतने रसोई बनाया ना उसमें स्वादिष्ट है इतने मीठा है इसे इसलिए क्योंकि वो राधा जी की प्रकाश है राधा जी का हाथ में अगर कोई खाना नहीं खाते है ना इसी की लीला यही पर हुई इसी रोड में ठीक उसको पास में हम लोग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का सभी विग्रह से मदन मोहन को दर्शन किया, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यही पर रहा करते थे और वहाँ पर श्री स्वर्ग दामोदर कृष्ण लीला में जो ललिता सखी है और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की रति में जली है इसी रोड में रहते थे और यहीं से रोज श्री स्वर्ग दामोदर गंगा जाते थे
महाप्रभु जहाँ पर घात करते और रात भर महाप्रभु के भाव के अनुरूप उन्होंने चंडीदास विद्यापति कभी जयदेव का पद्यावली को बोल बोल करके महाप्रभु के भाव को उन्होंने उद्दी बना करते थे। और जब वापस आते थे यहीं पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रात भर जगे जगे रहते थे। आज क्या यही के अंतर में डिस्कशन हुई है महाप्रभु आज कौन सा भाव में विभाजित हुए और उन्होंने आकर उनको बुला करते थे। और श्री स्वरूप कलचा जब श्री कृष्णदास विराज गोस्वामी इन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखे उन्होंने आधार किसको लिया है श्री स्वरूप दामोदर ने जो नोट करके अपना नोटबुक में जो जो उन्होंने लिख कर रखे थे किसी रोड में और रघुनाथ दास गोस्वामी भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो सारे नोट को एकत्रित करें और इसी नोट को अवलंबन करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु का जो जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को उन्होंने लिखकर किया है। इसे इसी रोड में ही ये इतने सारे लीला इसी रोड में हुई है और हमारे गुरुपाद वर्मा इन्होंने भी इसी मंदिर को उन्होंने इसलिए यहाँ पर स्थापन किया तथा हमारे जो गुरुपाद पद्म है तब ये इनका नाम जब ब्रह्मचारी अवस्था में इनका नाम श्रील प्रभुपाद सिद्ध स्वरूप नाम रहता है। जब इन्होंने श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जब पूर्व बंगाल में इनका देश था ढाका देश में जब वहां पर प्रचार करने के लिए गए वहां पर इन्होंने कलेज में एक सुंदर प्रोग्राम किया। लेकिन पहले हमारे गुरु जी एक विवेकानंद का एक पार्टी का लीडर थे साधारण लोग भी जानते हैं विवेकानंद सबसे बड़ा है सबसे बड़ा साधु लेकिन इन्होंने पहले उसका लीडर थे गुरुदेव। लेकिन जब कुछ साधुओं को वहां पर आए प्रचार करने के लिए कुछ बच्चों ने कहा हमने सुना कुछ साधु लोग प्रचार करने के लिए आए क्या हम इसको कलेज में बुला सकते हैं अच्छी बात है कलेज में बुलाओ आज साधुओं का हम कथा सुनेंगे। श्री भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज धर्म क्षेत्र गुरु केंद्र समवेद निरुस्तव माम कहा पांडवाश्चर्य की अभूरत संजय उन्होंने एक श्लोक को उन्होंने एक घंटा तो उन्होंने व्याख्या की और उसको बाद में गोपीनाथ मम निवेदन सुना इसी कीर्तन को करते देखे सारा ब्रह्मचारी लोग खूब नृत्य कीर्तन करते ना जब उन्होंने कथा को बाद में कीर्तन करे कीर्तन को बाद में उगंट जब नृत्य की मेरे गुरुदेव तो ये कीर्तन कीर्तन कथा सुन करके बोले मैं तो दीवाना हो गया मैंने सोचा बस और हमें घर में नहीं रहना और ये साधुओं को साथ में हमें जाना है और हमें घर में नहीं रहना लेकिन गुरुदेव कहते हैं किसी तरह से तो उसी रात को मैंने बिताया फिर सवेरे भागते भागते आया और वहां पर साधु लोग अब देखे होंगे भक्ति विजय भारती गोस्वामी महाराज यहाँ पर बैठे थे हैं इसलिए मोटे मोटे लंबे चौड़े साधु थे अभी बच्चे डर गए बोले भैया किसको बताऊं मैं मंदिर में आना चाहता हूँ हमारे गुरुदेव कैसे नहीं देख रहे ऐसे छोटे मोटे कोई साधु होगा ना जैसे मैं बात कर सकता हूँ छोटा मोटा हो इसलिए डर रहे थे बोले जाओ वो क्या बताना चाहते हैं देखो तब मेरे गुरुदेव ने कहा मेरे मन में इच्छा हो रही है आप लोगों को साथ में जाकर के भजन करने का क्या मैं साथ में ले चलोगे साधु पकड़ना बच्चे पकड़ने लेकर आते साधु लोग क्यों आते बच्चे को पकड़ने के हमका बच्चे पकड़ना हमका भूल यही है इसी तरह से उनको पकड़ लेते साधु तो बोले हाँ हम ले जाएंगे ले जाएंगे लेकिन वो एक जनता की लड़का इससे प्रभुपाद का अक्सर करके जितना पर भक्ति प्रज्ञा के सब उसको भी जमींदार के थे भक्ति लेकर माधव सब जमींदार घर के थे हमारे गुरु की जमींदार घर के देखने के लिए तो एक मिठाई का दुकान छोड़ दिया था बोले मेरा बच्चा जितने मिठाई खाएगा पैसा निकालना नहीं और बिल बनाकर ना महीना में दूंगा इसलिए वो जमींदार घर के लड़के जब इन्होंने इनका नाम था सीम शंकर घर का नाम था सीम शंकर जब इन्होंने जब उनको घर वालों को पता चला कि तो बच्चा तो साधु के पास भी चला गया मुड़ा लिया चोटी रख लिया गले में कंठी पहन लिया इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया
ये साधु लोग हमारा बच्चे को पता नहीं क्या पुतला पुतला करके इनका बुद्धि को खराब करके बाबा बना कर ले जा रहे हैं। अभी जब एक नदी पार करना पड़ रहा है वहां पर पुलिस पहले से जाकर बैठ गए। जब गुरुदेव जाने के लिए चाह रहे थे बाहर सारी पुलिस पकड़े और उनको जोर जबरदस्त गुरुदेव कहते हैं रोते रह गया मैं तो जोर जबरदस्त के घर ले आए और ला करके जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का जैसे जीवन चरित्र को इनका जीवन चरित्र है। अभी चंदा कहने लगे पेशाब के लिए जाए तो दो व्यक्ति पीछे पीछे पायखाना करने के लिए जाए दो व्यक्ति पीछे पीछे जब सोते हैं भाग नहीं जाए जब सोते हैं दरवाजा बंद करके सामने बैठ जाते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव ने कहा बड़ा कठिन है इसलिए मेरे को भी बदलाना पड़ेगा कुछ हमें कुछ हमें कुछ बदलाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कह दो छोटी दाना काट दिए गले में कंठी को उतार दिए उतार करके बोली ये बाबा लोग पता नहीं मेरे को क्या पट्टी पड़ा है पता नहीं मेरे बुद्धि को खराब कर दिया इन लोगों ने। ये बेकार बात है इन छोटी कंठी वाला रखना उन्होंने नाटक किया है नाटक किया परिवार बोले बच्चा सही हो गया उन्होंने बहाना बनाया देखो बड़े दिनों से मेरे को घर में बंद करके रखा था मैं थोड़ी सी अपना बहन का घर घर दूर है थोड़ी सी बहनी से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ बोले जाओ फोन करके आ जाओ क्योंकि इतना दिन से घर से बाहर नहीं निकला बस बहन का नाम बोलने के बाद चले गए एकदम पूरा मैंने घर छोड़ के उन्होंने कोई बात का पास में प्रभुपाद का पास नाम है। उस दिन बाद में उन्हें पता लगाया बोले सीत शंकर बहन को घर में आया बोले नहीं बोले आया ही नहीं बोले आया नहीं वो तो बोल के आया दो चार दिन बाद बोले यहाँ आया नहीं एक गांव में हल्ला हो गया पहले गांव था ना हल्ला हो गया फिर सीत शंकर साधु हो गया फिर साधु हो गया फिर उनको लेने के लिए फिर मंदिर में आया लेकिन प्रभुपाद ने है उनको समझाया देखो करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य रहने पर तब भी वंश में एक बेटा भजन करता है इसे भगवान नरसिंह भगवान कहते हैं कुलम पवित्रम जननी पिता था वसुंधरा वसतीस धन्या नृत्यंति स्वर के पितर पितरेसा जैसा मुकुले वैष्णव था। मतलब है वंश में अगर एक वैष्णव पुत्र जन्म हो जाए उनको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं जो पूर्वज लोग चले गए जब देखते हैं वंश में कोई व्यक्ति भजन करता है हाथ उठा करके नृत्य करना आरंभ कर देते हैं जो पिता माता उसी बच्चे को जन्म देते हैं उनका कोप गर्भ धारण करना सार्थक का हो जाता है जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म लेता है वो पृथ्वी धन्य हो जाती है। तुम लोग कितने सौभाग्यवान तुम्हारे घर के बच्चा भजन कर रहे हैं गुरु जी समझो प्रभुपाद समझाती बात फिर उन्होंने लंबा सुदुर्लभ निधन बहु संभवान ने ये श्लोक को उन्होंने व्याख्या किया है कि मानव शरीर 84 लख जन्मों के बाद में मिलता है बारंबार ये जीवन नहीं मिलता खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना कुत्ते गधे सुअर जीवन में भी यही करते रहता है। अगर ये जीवन पा करके कहीं से अगर जीवन बिता दिया कहीं जीवन का क्या महत्व रह गया प्रभुपाद को उन्होंने समझाया आपको जब समझाया ना फिर परिवार वाले शांत हुए फिर गुरुदेव मठ में रहे फिर उन्हें प्रचार करने के लिए गए और उन्होंने कई से उन्होंने नैनी महाराज को साथ में प्रचार करने के लिए पूर्व बंगाला में गई और उन्होंने विवेकानंद को कैसे विवेकानंद और हमारे श्री राम कृष्ण को उन्होंने कैसे हैं इसे गुरु को पुजारी बोल करके क्योंकि पहले ही विवेकानंद पार्टी का लीडर थे इनके सारे फिलोसफी को पता था लेकिन जब उन्होंने गौड़ीय मठ में प्रभुपाद के पास में आए बोले भैया पहले तो हम गलती करते थे कि विवेकानंद को साधु मानता था तो स्वयं कोई तो विवेकानंद है और कृष्ण राम कृष्ण इनको ही भगवान बोलते हैं ये तो भगवान भगवान कुछ नहीं है। उन्होंने बड़ी सांस होकर लोगों ने वहां पर जब खंडन किया ना लेकिन साहब दुनिया विवेकानंद और राम कृष्ण तो भगवान और विवेकानंद को तो पृथ्वी का सबसे बड़े साधु मानते थे पर इन पत्थर जूते पहनने लग गए और ये साधु लोग आकर हमारे सारे में उल्टा पलटा बोल कर भिक्षा क्या कोई भिक्षा नहीं दिया इनकी बदनामी हो गया बोले गौड़ीय मठ वाला आकर के
यहाँ प्रशस्त हिंदू सब लोग क्या करते हैं, पर प्रभुपाद को पास हमने ईमेल भेजे, प्रभुपाद ने टेलीग्राफ भेजे, पर प्रभुपाद ने बोले देखो जो सीधा स्वरूप है मेरी लाख रुपया की तुमने प्रचार किया है, इसलिए तुम लोगों को भिक्षा मिलता है, तुम लोग मेरे बात को नहीं बताते हो, मेरे बात को तो 25% बोलते हो और अपनी बात को 75% बोलते हो, इसलिए तुमको भिक्षा मिलता है, अगर मेरे बात को बोलोगे ना 1% क्योंकि प्रभुपाद ने उन्होंने स्ट्रांग एकदम शुद्ध भक्ति की प्रचार किया है, सिद्ध स्वरूप ने लाभ रुपया की प्रचार की, कोई चिंता मत कर मैं आ रहा हूँ, फिर प्रभुपाद वहां पर आए, फिर सबको उन्होंने बुलाया, तुलसी पेड़ में पानी क्यों देते हो, वो क्या फल देना है, बैगन का पेड़ में पानी दो वो कुछ फल देगा, ये तुलसी में हमें पानी देकर क्या होगा। गुरुदेव ने कहा गीता भगवान की उपनिषद है हमारे हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ, और ये कहते हैं वो कहते हैं गीता मत पढ़ो फुटबॉल खेलो, और क्या कहते हैं है? वो क्या कहते हैं पानी पानी गिर रहा है उसमें, पानी गिर रहा है उसमें, पानी गिर रहा है, तुलसी पेड़ में पानी देने से क्या होगा, जो भगवान की प्रेम और भक्ति को देने वाले, ये तुलसी वृक्ष बड़ी साधारण बोलो तो वृंदावन से साक्षात वृंदावन में ये तुलसी वृक्ष के रूप में भक्ति देने के लिए आए हैं। फिर रामकृष्ण मिशन का जो उनका जो फिलोसफी जतो मत ततो पद, जितना मत उतना ही पद है, बोले नहीं हमारे महाजन लोग कहते हैं महाजन जन तत संबंधा पद एक है, श्रोतर विधिना नासो मुनिर जस्य मतरना विरना धर्म सतत्व निहित गुहाया महाजन जनम गत सतत्ता, पद एक ही है महाजनों ने जो रास्ता को चुना है वो पद, वो कहते जो कुछ कर एक जगह में पहुंचे, बोले नहीं जो कुछ कर एक जगह में नहीं पहुंचेगे, कृष्ण गीता में कहते हैं जानती देव प्रदा देवान पितृ ने जानती पितृ प्रदा भूतान ने जानती पुत्र ने जानती माम जानती नाम काम, जो जैसे कर्म करेगा वो वैसे फल होगा, एक व्यक्ति चोरी करेगा उसको जो फल मिलेगा और जो भक्ति करेगा एक ही फल मिलेगा, ये गलत रास्ता मार गए, उनका दर्शन जैसे आकाश में चले जाओ प्लेन में चले जाओ देखना पृथ्वी पर उसको बराबर मिलता है, इसलिए सब समान पर सब समान नहीं है, ऊपर में जाने पर प्लेन में थोड़ी सब समान हो जाता है, तुम्हारी दृष्टि शक्ति की अभाव है इसलिए तुम्हें सबको बराबर देखता है, सब समान भी हो जाता है, इसलिए उन्होंने सारे बात को एक एक करके खंडन किया, जब वो खंडन किया ना जितने लोग थे बोले नहीं सही है, फिर तो प्रभुपाद की पूरा ढाका में जय जयकार हो गया, प्रभुपाद सरस्वती स्वामी प्रभुपाद की जय, जोर से जय प्रसिद्ध प्रभुपाद की जय, इसलिए प्रभुपाद की जय जयकार हो गया, इसलिए हमारे गुरुदेव ने स्ट्रांग फीचर 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 प्रचार करते जा रहे थे, इसलिए किसी चीज के भय किए बगैर उन्होंने सही बात को बोलते थे, इसलिए गुरुदेव ने ये मठ को स्थापन किया, देख रहे हो पूरी में ये मठ का नाम क्या है, चित्र विजय चित्र मठ, अगर किसी तीसरा वालों को बोल दो ना याद रखो कौन सा मठ है, चित्र विचित्र विचित्र, देखो हमारे गुरुदेव ने चित्र विचित्र पहले हम मेरे गुरुदेव ने इस मंदिर जो चित्रकारी बनाया कुछ कुछ ने किसी किसी ने बोली क्या तुमने पुतला बना दिया पूरा मंदिर मंदिर पुतला, मेरे गुरुदेव बोलते थे देखो मैं जानता हूँ कली जी आने वाले हैं लोग भजन नहीं करेंगे कम से कम उनको हरिकथा बोलो ना सारे में सुनेंगे नहीं, इसलिए कर ये लीलाओं को देख कर समझाओ लोगों का लीला को देख कर समझाओ ना थोड़ी बहुत समझने के संस्कार करेगा, इसमें बड़ी बड़ी शिक्षा है, इसलिए मेरे गुरुदेव देखो जगन्नाथ दास बाबा महाराज बहुत भक्ति वृंदा उसका उपदेश है, और महा जो यहाँ पर
मैं जब मैसेज में पहले आया गुरु जी ने जो सेवा की ये नाक मुझे साफ करने के लिए दीवार साफ करने के लिए मैंने स्लो कैसे सीखा ये नदी साफ करता था दीवार में जो स्लो लिखा हुआ ना पाँच बजे मनस जीवा देखो चेत बजार पर मार देना मैं इधर मंदिर साफ करता था ये स्लो याद करता था ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर स्लो याद किया इसे अभी से बहुत बहुत बता अभी से माधव महाराज जी अभी कुछ गुरु जी के बारे में बताएंगे और हम लोग फिर यहाँ से मंदिर वापस जाएंगे ठीक है कल सवेरे हम लोग गंभीरा जाएंगे यहाँ पर वहाँ पर 8 साल चल रही उसके बाद